आप आ गया करो पता नंबर मोबाइल लिख लो पता लगे पता लीजिए दसो सबका होगा जब जाने तो सबका होगा जब जाने सभी का इकट्ठा होगा आपका क्या नहीं होगा बड़ा बिच लो महाराज लो क्योंकि यूपी है यहाँ पर वही एज होगी जो यूपी है नहीं होगा नहीं होगा जो आप कहती हो ना आप आधी बात बताते हो बाकी में समझ जाते एज लिमिट जो बाकी स्टेट रखी है वो उनका स्टेट सर्विस पंजाब सिविल सर्विस जैसे हमारी जेके एस अब वो नहीं है अब यहाँ पर यूपीएससी का रूल आता है जो यूपीएससी की एज है वही अब जब दोबारा स्टेट बनेगी फिर शायद होगा है ना इस बच्चे सुना ही कोई व्यथा बेचारे लगता है कि हमारे लोग बड़े सादा हैं बड़े सरल हैं थोड़ी जागरूकता की आवश्यकता रहती है होता है कि नेता लोग जब आते हैं उनको मेमोरेंडम देते हैं चित्र खिंचवा लेते हैं अखबार में खबर भी छप जाती है आप जैसे बंधु समाचार भी चलाते हैं लेकिन उससे काम नहीं होता क्योंकि आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है पारदर्शिता है ट्रांसपेरेंसी है हमने ये भी एक सुझाव रखा है अपने कार्यकर्ताओं में कि हम इस प्रकार की कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे इतनी सारी स्कीमें आई हुई हैं यहाँ पर सोलर को लेकर के सूर्या वाली सूर्या घर स्कीम आई हुई है विश्वकर्मा स्कीम है उसके लिए कैसे अप्लाई करना आजकल रिटर्न टेस्ट है तो कहने का तात्पर्य ये कि मात्र किसी नेता के मेमोरेंडम देने से या उसका पत्र ग्रहण कर लेने से काम नहीं होता जनता को किस तरह से हो उसके लिए भी ये दरबार एक तरह का जागरूकता का शिविर भी है और अधिकारी लोग भी हमारे साथ उपस्थित रहते हैं ज़िला प्रशासन की ओर से और वो भी समझाने का कार्य करते हैं कि किस काम को कितना आगे बढ़ाया जा सकता है बढ़ाया जा सकता भी है कि नहीं क्योंकि वो ज़माना जाता रहा कि 10 भाषण दे देते थे नेता और सुबह क्या भाषण दिया शाम तक भूल जाते थे आज ज़माना है से साफ गोई के साथ जनता के साथ संवाद करना उनकी बात समझना उनको समझाना क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता और क्यों नहीं हो सकता उसके बारे में भी उनको जानकारी देना चनैनी नाश्री टनल जब हमसे पूछा गया कि आप क्यों इतने इस बात पे आमादा हैं कि उसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रखा जाए तो हमने उस समय भी यही कहा था कि यही वो सड़क है जहाँ से मुखर्जी की आखिरी यात्रा हुई थी जब उन्हें कठुआ माधवपुर पे गिरफ्तार करके श्रीनगर ले जा रहे थे तो उसी सड़क से होकर के गुजरे और हमारा मानना था कि जब उनके नाम का ये सुरंग बनेगी तो कहीं आने वाली पीढ़ी में बच्चे पूछेंगे अपने वालदैन से माता पिता से कि ये कौन थे तो उनको इतिहास स्मरण करने का एक अवसर रहेगा तो शहीदों के प्रति उनको उनकी स्मृति को उनकी स्मृति को ताज़ा रखना और साथ ही साथ अपने लिए एक प्रेरणा का स्रोत कायम करना ये हम सबका दायित्व रहता है।